हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं गुलर भोज में, और गुलर भोज में दुलाल जी के घर पर आया हूं जो कि बोगनविलिया के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। और इनके पास कई सौ प्रकार के जो बोगनविलिया है वो पौधे इनके पास होंगे, बहुत सारे बोगनविलिया है, और बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी इनके घर में जब भी आते हैं तो बोगनविलिया से पूरा का पूरा घर इनका महका हुआ मिलता है। और ना केवल इस छत पर बल्कि दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर भी जो है एक छत इनकी है और वहाँ भी पूरी तरह से बोगनविलिया भरा हुआ है। तो इनके साथ बात करते हैं इनके बोगनविलिया के बारे में, कैसे देखभाल करते हैं, किस तरह से फूल इनके इतने आ रहे हैं, और लगभग लगभग पूरे साल भर जो है कैसे इनके फूल बने हुए रहते हैं, तो पूरी देखभाल के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तो फटाफट से चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको देख करके। आज बहुत दिनों के बाद आपके घर में आया हूँ और आते ही फिर से बोगनविलिया के बीच में आपको बैठा पा करके मन खुश हो गया। तो देखभाल अच्छे से चल रही है फूलों की इस हाँ, समय? देखभाल बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक। तो कब से आना शुरू हुआ है इस बार ये ये बोगनविलिया? शुरू अक्टूबर में ही आना शुरू हो गया था। अक्टूबर के शुरुआत से ही हो हाँ, गया था। बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। तो लगभग लगभग कलर खिल गए हैं या अभी भी कुछ पौधे में खिलना बाकी है? अभी भी हल्का हल्का खिला है। अभी ये अभी अच्छा, बहुत बाकी है फूल खिलना, अभी बहुत पूरा भर बाकी के है। मिलेंगे फूल। नहीं, मेरा मतलब है जैसे जितने भी आपके पास पौधे हैं बोगनविलिया के, सब में आना शुरू हो गया या अभी भी कुछ ऐसे हैं जिसमें सब अभी तक में आया नहीं? आना हुआ शुरू, मतलब हल्का हल्का हुआ। हल्का हल्का हुआ। हाँ, ठीक। तो उधर भी आपका एक छत है तो दोनों में ही बोगनविलिया भर दिया आपने, दोनों में बगलवेलिया भर दिया। बगलवेलिया क्या मेरे बात को है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए बोगनविलिया इनके छत पर आकर के कितने खुश लग रहे हैं। चारों ओर अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर इस छत में तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बोगनविलिया। और उस छत पर भी हम जाएंगे, उधर देखिए दूर जो है दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ से इतना पता नहीं चल रहा है कि कितना है। फिर भी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए उधर भी कितने सारे बोगनविलिया है। तो दोनों तरफ हम देखेंगे और थोड़ी सी इनसे बातचीत भी करेंगे। तो पहले जो है देखते हैं इधर, तो बोगनविलिया तो आपका देखते हुए बातचीत करेंगे ही आपसे। तो ये जो फूल है बोगनविलिया, इसका शौक कब से लगा था आपको? ये मेरे शौक जब से लगा है ना, ये मैं कलकत्ता में देखा छत पर कलकत्ता में गए थे क्या? ना, तो वीडियो में देखा। अच्छा, वीडियो में देखा मतलब, हाँ और वहीं से जो है अच्छा लगा। हाँ वही से मैं दिल में सोच लिया, बगल में ये जो फूल है, एक ये बहुत बेहतरीन फूल है। मान ठीक। लीजिए साल में 10 महीने तो खिलेगा खिलेगा। साल में 10 महीने खिलता ही खिलता हाँ, है। खिलेगा अच्छा, मेरे इस पास तो खिल रहा है। आपके पास खिल रहा है हाँ और अधिकतर लोगों के पास इतना टाइम नहीं खिलता, 2-4 महीने ही खिलते होंगे बहुत सारे मैं लोग हैं। नर्सरी में फोन करता हूँ ना, जब मेरे वहां बगल मेले खिलता तो मैं पूछता, बगल मेले खिला है? कह रहे दादा अभी तो खिला नहीं है, कम लेकिन खिला है। लेकिन आपके यहाँ हमारा पूरी तरह शुरू से अक्टूबर से खिलता खिल है। जाता है। ठीक। जिनको बोगनविलिया से असल में प्यार है तो उनके वहाँ खिलना भी चाहिए हाँ, और हो भी रहा है। ऐसा क्या करते हैं इनके साथ, पौधों के साथ, कि आपके यहाँ बने हुए रहते हैं ये फूल? बने हुआ मेरे को ऐसा है ना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, देखा जाए तो मेहनत भी नहीं करता हूँ, लेकिन इसको मेरे प्यार है ना इसमें। ठीक। ये मैं सुबह एक चक्कर, रोज 2 चक्कर तो मारता हूँ मतलब इसको देखना, देखने इसको के। हाँ छूना, इससे ही जो है सबसे ज्यादा जो है इसी से ये फूल महकते हैं। हाँ मतलब फूलों के पास, पौधों के पास आना जरूरी है, उनसे प्यार करें तो अपने आप फूल खिलेंगे ही खिलेंगे। तो ये तो है। देखभाल तो देखिए हर कोई करता है जो भी पौधे लगाते हैं, लेकिन कई लोगों के देखभाल में होती नहीं है चीजें और कई लोग जो है केवल आने मात्र से ही जो है हो जाता है। और आपके साथ कुछ ऐसा ही है मुझे लग रहा है। फिर भी मैं ये सोचता हूँ ना, आंधी या तूफान हो, ठीक। एक बार मैं छतरी ओढ़ के भी आ जाता हूँ बरसात में अच्छा, भी। बारिश में भी आ जाते हाँ, आ हैं जाता हूँ। छाता ओढ़ करके। तो अब जो है सीधे सीधे बातचीत करेंगे इसके देखभाल के लिए। पौधा आप लाते हैं नर्सरी से, लाने के बाद कितने दिन के बाद लगाते हैं? उसी समय लगा देते हैं? मैं तो उसी समय लगा देता हूँ, लाके एक दिन रुक जाता हूँ, दूसरा दिन लगा एक देता हूँ। दिन रुक गए या उसी समय लगा दिया हाँ, जाए अगर टाइम मिल टाइम गया मिले तो। तो? हाँ, ठीक। और जिस समय लगाते हैं क्या इतने बड़े पॉट में ही लगाते हैं जो ये 10 इंच का पॉट दिखाई दे रहा है या इससे छोटे में? मैं लगाता हूँ मतलब 9 इंची पॉट में पहले ही।
पहले 9 इंच के पार्ट में लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद, उसका बाद देखा थोड़ा बढ़िया जड़ आ गया, उसमें 12 इंच में पॉट में लगा देता हूँ। 12 इंच में मतलब 4-6 महीने के बाद। लेकिन अब जैसे ये चीज हो गया, तो मिट्टी आप जो बनाते हैं, क्या पहले से तैयार रहता है मिट्टी या उसी समय बना लेते हैं? उसी समय बना लेता हूँ मैं तो। क्या क्या मिलाते हैं मिट्टी में? मैं क्या मिलाता हूँ, थोड़ा सा गोबर खाद और वो मिट्टी हल्का और थोड़ा एनपीके देता हूँ। अच्छा, तीनों एक साथ उसी समय मिला के भरता हूँ? गोबर खाद, मिट्टी और मिट्टी। तो गोबर खाद मतलब जितना लेते हैं मिट्टी, उसका दुगना ले लेते हैं? हाँ, 3 हिस्सा कर लेता हूँ, 1 हिस्सा गोबर खाद। अच्छा। और 2 हिस्सा मिट्टी, 2 हिस्सा और 1 मुट्ठी मतलब वो खाद एनपीके। 1 मुट्ठी? हाँ। अच्छा, 1 मुट्ठी पूरा आपने कहा, तो ये क्या 1 गमले में 1 मुट्ठी डालते हैं? नहीं, एक गमले में निकली है ये, मैं डालता हूँ जैसे 10-12 गमला बनना है उसी हिसाब से डालता हूँ, 1 मुट्ठी डाल के फिर मिला के बढ़िया करके फिर उसको। अच्छा, मतलब ये है। तो यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हाँ। कि 1 मुट्ठी आखिर क्या है, 10 गमले के लिए जो बनाते हैं। हाँ। तब जो है 1 मुट्ठी डालते हैं, तो 1 चम्मच के लगभग जो है वो बहुत है। हाँ। उसमें एक पौधे के लिए, ठीक, बहुत ही बढ़िया। और इस तरीके से मिट्टी बना करके आपने लगा दिया। हाँ। लगाने के बाद पौधे को छाया में रखना होता है कि डायरेक्टली धूप में? डायरेक्ट धूप ही पसंद करते ज्यादा, नहीं है, डायरेक्टली धूप में ही रख देते हैं। और अभी तो मौसम भी अच्छा है, इस समय भी लगा सकते हैं ऐसे ही? हाँ। और इस समय मेरे ख्याल से अभी अगर नर्सरी में जाए तो खिले हुए इसमें मिलते भी हैं। हाँ। अभी से मिलना शुरू हो जाएगा अक्टूबर में और नवंबर में, खिला हुआ मिलेगा तो कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा नर्सरी में, तो इस समय ले सकते हैं। इस समय अक्टूबर नवंबर में और बढ़िया होगा कलर, नवंबर में और बढ़िया होगा। हाँ। कलर तो इस समय लेकर के डायरेक्टली आप इसी तरीके से लगा करके धूप में रख दे। अच्छा, पानी का क्या करते हैं? पानी देखो, मैं तो लोग कहते हैं पानी नहीं चाहिए, कम चाहिए, लेकिन मैं रोज गमला नमी होगा तब नहीं डालता हूँ, अगर सूखा है तो हल्का फुल्का डालेंगे जरूर। थोड़ा भी अगर सूख गया तो हल्का फुल्का जरूर डाल दिया, लेकिन ये नहीं कि आपने रोज दिया, ये नहीं कि धूल उड़ रहा है, फिर नर्सरी वाला कहता है बिल्कुल देखो ये धूल उड़ रहा है, इसमें मतलब पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं धूल उड़ने से पहले मैं पानी डाल देता हूँ। आप पानी डालते रहते हैं, दिखाई भी दे रहा है अभी भी जो है इसमें नमी दिखाई दे रहा है, सब नमी है, सुबह सुबह मतलब पानी डाल ही रहे हैं अभी। हाँ। भी डाल रहे हैं, तो अभी कितने दिन छोड़ के डाल रहे हैं पानी? मैं रोज डालता हूँ, रोज डाल रहे हैं, एक बार रोज डालता हूँ हल्का हल्का। और आपका छत भी पूरा खुला है, पूरी धूप यहाँ इनको मिलती है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए भी जो है ये जिम्मेदार है कि पौधे जो है इतने अच्छे खिल रहे हैं, तो धूप बहुत जरूरी है, धूप बहुत जरूरी है। बिना धूप वाले एरिया में रहेगा तो पत्ते ज्यादा दिखाई देंगे, फूल नहीं दिखाई देंगे ना। और इधर इधर भी मुझे दिखाई दे रहे बहुत सारे पौधों के बीच ये खिलना शुरू हो गया है आपका, ये हाल ही में लगाया क्या? ना, उसी टाइम का पौधा है, मैं एक तरफ कर दिया। अच्छा, ये भी खरीदा हुआ है? हाँ। ठीक। और इधर ये इनमें अभी नहीं आए? हाँ, इसमें नहीं आया, 2 पेड़ में नहीं आया, 3 पेड़ में नहीं आया। अच्छा, इसमें नहीं आया, ये बड़ा वाला है ना। ठीक। और भी देखिए दूसरे पौधे भी इनके पास है, लेकिन खास तौर से जो बोगनवेलिया है वही पौधे इस समय सबसे ज्यादा खिल रहे हैं और इनसे प्यार भी है इनको बहुत ज्यादा। आगे भी देखते हैं कौन से पौधे हैं, और बोगनवेलिया के दूसरे छत में भी चलेंगे। देखिए कितने सुंदर सुंदर फाइकस के पौधे हैं, इधर भी देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। तो बोगनवेलिया का एक ये मुझे दिखाई दे रहा है काफी अच्छा सा, ये तो आपने बिल्कुल एक तसले में लगा दिया। हाँ, तो इसी में इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं, बस देखिए पूरा भरा हुआ ब्रांच चारों ओर से। तो ये जो इतना झाड़ीदार पौधा बना है, इसके लिए आप क्या करते हैं? चारों क्वालिटी अलग है ये। अच्छा, आपने आप इतना झाड़ीदार? हाँ, आपने अपना कटिंग करा ना? कुछ करा मैंने, कटिंग भी नहीं किया ना, आपने? कुछ भी नहीं करा ये, क्या बात, जब से लाया हूँ 8 महीने खिल गया, बरसात में भी खिला है पूरी। देखिए यहाँ से मैं अगर इस कैमरे को से दिखाऊं आपको, ये तसला फूल के साथ कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इनके घर पर हो रहा है, और दूर से ये पौधा जो है दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है यहाँ बहुत बढ़िया नींबू हो रहे हैं आपके यहाँ, तो क्या बात है, इतना भरा हुआ, ये कागजी लेमन है कोई और है? ये विदेशी नींबू है, विदेशी विदेशी है कोई? ठीक। कहाँ से लिया था आपने? नर्सरी से लिया था मैंने, यही आसपास से। हाँ, आसपास से ही लिया। कितने महीने हो गए ये पौधे?
ये बरसात से पहले लिया। इसी बरसात से पहले? हाँ। तो ज्यादा दिन नहीं होंगे, 6 महीना अभी नहीं बीता होगा। हाँ। 6 महीने के लगभग ही हुआ होगा। तो उस समय लगे हुए थे कोई लेमन इसमें? मैं एक भी नहीं लगा हुआ, एक भी नहीं था। और अब देखिए इतने अच्छे लेमन हो रहे हैं। मैं 2 तोड़ के रखा था, काटा तो इतना रस है इसमें। ठीक ठीक ठीक, बहुत ही बड़े खुशबू भी है। खुशबू भी है और रस भी बहुत। हाँ, रस फुल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या क्या हो रहे हैं इनके यहाँ पर। फूलों से तो पूरा का पूरा बगीचा महका हुआ है। इधर इधर मैं दिखाऊं तो देखिए एक से बढ़कर फूल एक आपको मिलेंगे। लेकिन बोगनविलिया की हम खासतौर से बात करेंगे, लेकिन फूल भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। ये एक अलग वैरायटी है बोगनविलिया की, ये उससे अलग है ना कलर में। उधर वाला जो है डिफरेंट है, इधर का कलर डिफरेंट है। यह पहले खिला था? ये पहले खिला था। ये एक ही है दोनों वैरायटी? दोनों एक ही है। अच्छा, तो अभी उधर का जो है कुछ अलग लग रहा है, इधर का कलर अलग लग रहा है। लेकिन कलर बदल गया ना अभी? अभी चेंज हो गया, थोड़ा सूख रहा है ये मेरे ख्याल से, तो इस वजह से डल हो रहा है। ये झाड़ने के बाद फिर इसमें खिलेंगे अभी? हाँ, दोबारा खिलेंगे। दोबारा फिर खिलेंगे। ठीक। और ये लग रहा है मुझे 12 महीने खिलता है ये, जबकि 8 महीने तो मेरे पास हो गया खिलते हुए लगातार। हाँ, बरसात में भी खिला है। अच्छा। हाँ। बरसात में तो जबकि फूल रुक जाते हैं। रुक जाता है, लेकिन हमारा खिला है। आप क्या फिर भी खिले हैं? तो बरसात मान लीजिए अभी अक्टूबर है और ये फूल खिला है, तो बरसात में तो खिला है ये। बिल्कुल, तब बरसात में भी खिला है, क्योंकि अभी बस बारिश का एंडिंग टाइम यही होता है इस समय। और नीचे नीचे भी बहुत सारे पौधे फूलों के हैं, तो इनमें अभी तो जो है सीजन एक बार तो चला गया इन सब में खिलने का, फिर दोबारा धीरे धीरे मेरे ख्याल से आना शुरू हो रहा है। तो चलिए आपके उस छत में भी थोड़ा सा विजिट करते हैं, उधर क्या क्या है। यहाँ पर इससे पहले कि दूसरे छत में जाऊँ, नीचे इनका जो ग्राउंड गार्डन है वहाँ पर भी देखिए गमलों में इन्होंने लगा रखा है, और कितना अच्छा फूल खिल रहा है। ये तो बिल्कुल जैसे एक टोपी होती है ऊपर, और बंगाली शादियों में यूज़ होता है जिसको मटुक कहते हैं, तो उसी तरीके का ये बन रहा है फूल कुछ। देखिए क्या बात है, ये तो काफ़ी पुराना पौधा होगा। ये वाला जो पौधा है कितना पुराना है? ये बरसात में लगाया था इसको, ये इसको मैंने बरसात में लगाया ये फूल। इसी बरसात में? हाँ, इसी बरसात में। क्या बात है, तो शुरू बरसात में लगाया। बरसात में उसी समय? शुरू बरसात में लगाया मैंने। अच्छा, ये तो बहुत कम दिनों में इतना अच्छा खिल गया। ये हाइब्रिड है ना, हमारा लंबा नहीं होता ज्यादा, और इसमें लगातार फूल आ रहा है। फूल 12 महीने फूल आ जाए। 12 महीने? क्या बात है। तो ये नीचे लगा हुआ है? नीचे भी वही क्वालिटी है, वो नीचे लगा है, ये गमले में वही क्वालिटी है। अच्छा, ये गमले में जो है और वही एक ही क्वालिटी है? एक ही है। और ये वाला नीचे लगाया है? हाँ, वो वाला नीचे लगाया, बड़ा वाला। ठीक ठीक ठीक, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है ये, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और इधर इधर अलग है उनसे? ये 4-5 पेड़ इसी कलर का है। अच्छा, इसी का ही है। तो ये सारे नर्सरी के हैं आपने? सब नर्सरी का है, सब नर्सरी से लाए। ये एक पौधा महंगा महंगा आता है ना ये। ठीक ठीक, जूही वगैरह भी अच्छे खिलने शुरू हो गए? जूही अभी खिला नहीं पूरा मात्रा में, अभी शुरू हो रहा है। अब कलिया तो इधर भरा हुआ है, कुछ कुछ खिलना शुरू हो गए हैं। और इधर इधर भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन इन पर जो है बाद में हम बात करेंगे। और जहाँ बोगनविलिया के लिए जाना चाह रहे थे, चलिए वहाँ चलते हैं आगे। दोस्तों अब आ चुके हैं इनके दूसरे वाले छत पर, जिसको कि दूर से दिखाया था। और अभी जिस छत को आप देख रहे थे, तो उधर वाले छत को आप देख रहे थे, उधर के बोगनविलिया। और अब इधर वाले छत में देखिए इतने अच्छे फूल जो है बोगनविलिया के इधर खिल रहे हैं। तो किधर से शुरू करेंगे इधर का दिखाना? सबसे पहले इधर से ही दिखाइए, ये जो आपके सामने है वाइट वाला, ये कितने साल हुआ है पौधा? ये हुआ 2 साल। 2 साल का पौधा है? 2 साल का पौधा है ये। अच्छा अच्छा, तो ये भी 2 साल से, मतलब जब से लाए थे तभी से फूल हो रहे हैं? हाँ, तब से फूल। व्हाइट वाले में तो बहुत ज्यादा खिलते हैं, मैंने अभी देखा। खिलेगा अभी, ये तो खिला नहीं पूरा ना अभी, बस पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है ये। कोई व्हाइट कोई रेड, मतलब एक लाइन से, और सब मुझे लग रहा है कोई 10 इंच कोई 12 इंच ऐसे ही पॉट है, और या तो उससे छोटे हैं। तो इन सब में अभी अभी आने की शुरुआत बस हो ही रही है। हाँ। तो ये तो वही 6 इंच के पॉट होगा? हाँ, 6 इंच का है। 6 इंच का है ये, 8 इंच का है, तो इसमें भी आना शुरू हो गया है। तो इसमें धीरे धीरे इस साइड को जो है भरने की शुरुआत हो रही है। अब पूरा मात्रा में खिला ही ना अभी। तो खुद भी कटिंग इससे करते हैं?
हाँ खुद भी कटिंग करता हूँ। खुद भी बनाते हैं पौधे? हाँ बनाना शुरू कर दिया। आप बनाना शुरू कर दे रहे हैं? हाँ। तो अब इसको अभी क्या कैसे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही सर का जो नर्सरी में रेट है वही रेट बेचता हूँ। यही आसपास में जो है? हाँ, घर से आकर कोई, के ले जाते कोई हैं। लेता है कोई लेता नहीं है। ठीक ठीक तो ये जैसे है तो इसको आप दूर तो नहीं भेज सकते कहीं? ना कोई ना खरीदना दूर चाहे? कहाँ भेजूंगा, अरे उतना बिक्री नहीं है गुलाबगंज में। ठीक नहीं कोई आप एक आध शौक है किसी का वही आ जाता घर है। में आकर के ले हाँ जाते ले हैं। जाता है। ठीक ठीक नहीं लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है और सब लोग चाह रहे हैं कि आपसे ले, बहुत सारे ऐसे लोग, तो क्या संभव है भेजना? भेजना संभव नहीं है, मेरे पास नहीं आएगा तो दे आएंगे सकते हैं। तो दे सकते हैं क्योंकि आप हाँ भी ड्यूटी में जाते हैं सुबह सुबह 8 बजे, हाँ तो मुझे भी इस वजह से बहुत सुबह मतलब 7 बजे से पहले आना पड़ा यहाँ पर इनसे मिलने के लिए। तो देख सकते हैं कितने व्यस्तता में भी जो है ये काम करते हैं। तो शाम को ड्यूटी से किस समय आते हैं? शाम को 6 बज जाते हैं मुझे आते आते। 6 बज जाते हैं? हाँ और 6 बजे तो इसका मतलब अंधेरा होने लगता है उस समय तो हाँ आसपास, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और सुबह 8 बजे निकल जाते हैं घर से। तो हाँ देखिए इस बीच में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, इतना टाइम कैसे मैनेज करते सुबह हैं? मैं हाँ उठता हूँ ना, जब हाँ उठने के बाद फिर मैं ये 8 बजे तक कर लेता हूँ, अपना ये पानी देखा वाली डालना या करता कहीं हूँ, कोई खाद डालना। फिर खाना वाना खा के ड्यूटी चले अच्छा जाता हूँ। शुरू में आपसे हमने पूछा था कि कौन से मिट्टी कौन सा खाद, लेकिन बाद में क्या करते हैं, खाद वगैरह बाद में कौन सा देते हैं? बाद में एनपीके डालता हूँ, एक चम्मच करके हर गमले में डालता हूँ। कितने महीने बाद बाद? जैसे लगाया, लगाने के बाद 1 महीने बाद फिर डाल देता हूँ एक फिर से डाल चम्मच। दिया हाँ उसके फिर कितने दिनों के बाद फिर एक एक डालना? महीने बाद, सर मैं एक 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 महीने महीने के बाद बाद डालता हूँ। और केवल एनपीके डाल दें? हाँ एनपीके डालता हूँ। और मिट्टी बदलते हैं बाद में जब मिट्टी पुराना होता तो है मैं तो? अभी तक नहीं बदला दोस्त, कोई कोई पेड़ मेरे पास 3 साल हो गया अभी तक मिट्टी नहीं बदला, टाइम नहीं मिल रहा है। लगातार कहते हैं कि एनपीके वगैरह रासायनिक खाद है लगातार डालने से खराब हो जाता है, फिर बाद में फूल नहीं आते, ऐसा है क्या? ना ना मेरे पास तो 3-3 साल का भी पेड़ है, तो उसमें अभी भी हो उसमें रहे हैं अभी फूल और पूरे भर के आ रहे हैं। देखो मिट्टी थोड़ा बहुत उसमें डालना पड़ता है बाद में, मिट्टी बदलना अभी पड़ता है? बदला नहीं अभी नहीं बदले आपने ना, कुल मिलाकर के? जब मिट्टी थोड़ी खराब होगी लगने लगेगा हाँ तब चेंज करेंगे। टाइम नहीं मिल रहा, मिट्टी बदलने तो ठीक सही है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा तो कैसे बदलूं। तो थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे या जो है आपके घरेलू चीजों का भी यूज करेंगे तो रासायनिक के साथ साथ तो फूल भी जो है अच्छे ये खिलेंगे। देखिए फूल, ये पिछले साल तो इतना भरा पड़ा था, ये इसके पत्ते कहाँ है? पत्ते आए नहीं पत्ते है ही नहीं? क्या ना। बात है, देखिए पत्ते है ही नहीं। अब देखिए मैं पत्ता ढूंढ रहा हूँ और इस पौधे में पत्ते नहीं मिल रहे, बस फूल ही फूल दिखाई दे रहा है, और ये इस गमले में लगा हुआ है छोटे से। क्या बात है, कितने सुंदर फूलों को जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि यहीं रह जाए या इन सब गमलों को अपने घर में उठा करके ले जाए। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके और आपके इन फूलों को देख करके, और फिर से कुछ दिनों के बाद जब ये और भरेगा तो ज़रूर आपसे मिलेंगे और आपसे इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए शुक्रिया। ठीक है जी, धन्यवाद।